राजधानी दिल्ली में नई लैंडफिल साइट के लिए लंबे समय से चल रही डीडीए व एमसीडी में रस्सा कसी सोमवार को खत्म हो गई। डीडीए ने एनजीटी से कहा था कि ईस्ट एमसीडी की सोनिया विहार में 44.7 एकड़ जमीन लैंडफिल साइट के लिए दे देगा। इसी लैंडफिल के विरोध में कांग्रेस व बीजेपी पार्टी ने 3.5 पुस्तक करतार नगर में विशाल धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि यह सब बीजेपी पार्टी की मिलीभगत से हुआ है। कम से कम 10 किलोमीटर तक चील कौवे उड़ते दिखाई देंगे, जैसा गाजीपुर भरसा में देखते हैं आप। 10 किलोमीटर तक छतों पर मांस के टुकड़े, दुनिया भर का गंदा हमारे लोगों के यहाँ पर होगा। हमें यहाँ पर विकास के नाम पर तो कोई दे नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर एक तरह कूड़ा घर देने जा रहे हैं। सोनिया विहार एक रिहायशी इलाका है और लैंडफिल बन जाने से वातावरण में इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क के किनारे खड़े पेड़ों पर कलावा बांधा और उनकी सलामती के लिए सरकार से दुआएं भी मांगी कि इस इलाके में लैंडफिल साइट न बन सके। इसलिए बांध रहे हैं ये जमुना में जो अभी कूड़ा घर नया बनाने की कोशिश की जा रही है मनोज तिवारी जी और दिल्ली सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ हमारे जिला अध्यक्ष भीष्म शर्मा जी और हमारे पूर्व विधायक रहे गोंडा के, उन्होंने धरना प्रदर्शन रखा है और पूरी क्षेत्र की जनता, पूरे जिले की जनता, पूरे नॉर्थ ईस्ट की जनता उनके साथ है। और ये जो उन्होंने धागा बनाने का प्रोग्राम बाद में धरने के बाद किया है, हमने 51 वृक्षों पर धागा बांधा है और इनकी रक्षा करने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और भीष्म शर्मा जी ने कसम खाई है और हम यहाँ कभी कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। ये हमारी उनसे प्रार्थना है पहले, और उसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे, चाहे भीष्म शर्मा जी के साथ हमें जान भी देनी पड़े, हम तन मन धन से उनके साथ हैं, खून की आखिरी बूंद तक हम उनके साथ रहेंगे, यहाँ कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। वहीं बीजेपी पार्टी के लोग भी इस लैंडफिल का विरोध करने के लिए धरने पर बैठ गए और दिल्ली सरकार के इस लैंडफिल बनाए जाने का विरोध किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेतागण और बीजेपी पार्टी के नेतागण हैं, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसके लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इसका विरोध जताया और इस लैंडफिल को नहीं बनने देने का वादा भी किया। डीडीए जमीन चाहती है जहां लैंडफिल साइट बने, कोई दिक्कत नहीं है, लैंडफिल साइट के लिए जगह ढूंढेंगे। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो चाहता है जगह, हम उस जगह को ढूंढेंगे। अब तो ढूंढना सबसे पहले उस व्यक्ति को जरूरी है जिसने कहा कि जमुना जी में कूड़ा डाल दीजिए। वो व्यक्ति कौन है उसकी जांच करने के लिए हमने एलजी साहब को लेटर लिखा है। और जहां तक ये प्रस्तावित जगह है, विश्वास रखें एमसीडी कभी भी इसको पास नहीं करेगी। अरे कांग्रेस तो समझिए ऐसे में ऐसा कार्यों में मजे ले रही है, कांग्रेस को बड़ी खुशी मिल रही है इसमें। कांग्रेस को तो यहीं आ जाना चाहिए, यहाँ क्या वो बनाने के लिए थोड़े लोग बैठे हैं, तो जिसको विरोध करना है तो उधर क्या डेरा डंडा लगाओ, यहीं आ जाते और आते तो 12-1 बजे तक रहते। ये जो मुद्दा है जो बार बार कांग्रेस कभी कभी करती है वो मेरे समझ के बाहर है। हम लोग यहाँ आमरण अनशन पे बैठे कि फ्लाई ओवर बनाओ, तो 2 दिन बाद कांग्रेस धरने पे बैठी कि ये फर्जी मांग है। अब बताओ फर्जी मांग क्या होती है, हम कह रहे हैं फ्लाई ओवर बनाओ तो कांग्रेस उस मांग का विरोध करती है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा, कायदे से तो कांग्रेस को वही आ जाना चाहिए था, ये कोई भाजपा का मुद्दा थोड़ी है, ये क्षेत्र की जनता का मुद्दा है। अब हम लोग कभी यहाँ सेंट्रल स्कूल बनाने जाते हैं तो काला झंडा दिखाते हैं, कहते हैं बनाओ मत। हम जाते हैं रेलवे स्टेशन बनाने तो भी काला झंडा दिखाते हैं। असल में उनको पते नहीं है कि वो अभी क्या है, वो डायलॉग है ना कि सांस कहाँ से लें और कहाँ से, तो वो अभी कांग्रेस की स्थिति वही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये हम राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये क्षेत्र का क्षेत्र के सामाजिक मुद्दा है और इस सामाजिक मुद्दा को कोई भी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी वो लोग इसको इस तरह की राजनीति इस पे न करें। सब लोग साथ होकर के विरोध करें, दुनिया की कोई ताकत यहाँ लैंडफिल साइट नहीं बना सकती, बल्कि जो खोजने वाले वो दोषी करार दिए जाएंगे। जिम्मेदार किसे मानते हैं सर, लैंडफिल मार्ग बनाने जिम्मेदार किसे मानते हैं? नहीं, उसकी जांच करनी पड़ेगी, हु इज द पर्सन जिन्होंने ये डिटेक्ट किया, ये कहा कि चिन्हित किया यहाँ बनना चाहिए, वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, वो हमारी गंगा जमुनी सभ्यता का शत्रु। बहरहाल कुछ भी हो, यदि यह लैंडफिल सोनिया विहार इलाके में बन गया तो इसका भुगताना तमाम क्षेत्रीय जनता के साथ
यमुना पार निवासियों को भुगतना पड़ेगा। सिटी न्यूज दिल्ली के लिए महेश कुमार की रिपोर्ट।